हेलो फ्रेंड्स, सीएसआईआर दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 4 मार्क्स का था सेक्शन सी में, जिसमें ये देख रहे हैं या एल्काइन है या कैटिकॉल बोरेन है, जो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन होता है उससे रिलेटेड, या क्वेश्चन है जो ऑर्गेनोमेटलिक का एक क्वेश्चन था। इसको हम देखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एल्काइन है, एल्काइन या हाइड्रो, यहाँ पर क्या है, कैटिकॉल है, कैटिकॉल बोरेन है, जिसे क्या है ऐड करना है, या क्या होता है, या सिन जो है एडिशन देता है, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, और यह जो रिंग होता है दोस्तों, यह लेस हिंडर्ड साइड में अटैक करता है, लेस हिंडर्ड हिंडर्ड साइड में अटैक करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यह क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ब्यूटाइल साइड से अटैक करेगा, और उसके बाद जो है यह हाइड्रोजन जो होगा, हाइड्रोजन साइड से क्या होगा, यह बोरेन अटैक करेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन अटैक करता है तो Bu जो ग्रुप होगा वह ऊपर जाएगा, और यह जो अटैक करेगा, यह H जो होगा वह क्या होगा दोस्तों, वह ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ ऐसा एल्काइन क्या होगा, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं दोस्तों, कैटिकॉल के, कैटिकॉल बोरेन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा और Bu क्या होगा, इधर जाएगा दोस्तों, नियन Bu, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, यह हाइड्रोजन यहाँ अटैक हुआ, यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, और यहाँ पर बी है, वो है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर रिंग है, बेंजीन रिंग है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दिया है, देन H2O दिया था, देन जो है दोस्तों H2O दिया गया था, तो देन में क्या दिया, देन H2O। अब H2O क्या करेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और डायोल दे देगा, NBu हो गया, H हो जाएगा, और यहाँ B हो जाएगा, OH हो जाएगा, एंड OH हो जाएगा। या दोस्तों बेस क्या सुजुकी कपलिंग में या बेस की तरह एक्ट करता है, या दोस्तों क्या है, सुजुकी कपलिंग होगा इसमें, देखेंगे सुजुकी कपलिंग दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन जो था, यह कह सकते हैं इसका ये कंपाउंड आपको मिल गया, यहाँ कह सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही इसमें दिया हुआ था, इस टाइप से दिया हुआ था, एन Bu हो गया, और यहाँ पर B दे दिया, और OH2 को ये साथ लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ये आपका हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे B पार्ट क्या है, B पार्ट क्या है दोस्तों, इसमें कई प्रोसेस होते हैं, जो ब्रोमीन है या एल्किन ग्रुप होता है, वो ब्रोमीन जो होता है यहाँ PD से जुड़ता है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के थ्रू बाद में क्या होता है, यहाँ से जो होता है, यहाँ से ट्रांसमिटाइलेशन होता है, उसके बाद जो होता है क्या, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सुजुकी कपलिंग रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ेगी, जो इसमें हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम शॉर्ट में ही देखेंगे कि करना क्या होता है, शॉर्ट के माध्यम से देखेंगे। अब इसमें किया गया है, ये कंपाउंड ए हो गया आपका, तो यहाँ पर हम कंपाउंड ए लिख लेते हैं दोस्तों, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ बी हो गया, OH2 हो गया दोस्तों, और उसके बाद एन है, यहाँ पर Bu है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दिया हुआ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर PPH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ, PDCl2 जो होता है, और KOH। इसमें हम प्रोसेस जो है बता दे रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन एडिशन होगा, और दूसरा जो होगा वो ट्रांसमिटालेशन होगा, ट्रांसमिटालेशन होगा, ट्रांसमिटेलोसिन हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद जो है तीसरा जो होगा दोस्तों, वह तीसरा जो होगा दोस्तों
वह कह सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होगा वह रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा, ठीक है दोस्तों। अब इतने प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, यह इसका फंक्शन काम करता है, तो इसे हम बोलते हैं सुजुकी कपलिंग रिएक्शन। ये बनता है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं सुजुकी कपलिंग। अब देखते हैं बी है दोस्तों, बी क्या होता है, बी फॉर बाइक कह सकते हैं। बी फॉर क्या कह सकते हैं, बाइक। और बाइक क्या है, एक जानते हैं सुजुकी, एक सुजुकी क्या होती है, एक बाइक होती है। अगर बोरॉन है और ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, कोई बेस लगा हुआ है, और पीडी क्या है, टू प्लस, पीडी टू प्लस में है, और यहाँ बेस दिया हुआ है, और यहाँ पर कोई हेलोजन दिया हुआ है या कोई लिविंग ग्रुप दिया हुआ है, तो इसे हम सुजुकी कपलिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो दोस्तों, यहाँ पर कुछ करना नहीं था, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करना था और ये ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करना था, और इसको जैसे ही विदाउट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज किए, हम क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, एन हो जाएगा, बीयू हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों यह बाहर निकल जाएगा, और इसके बाद यह जो बॉन्ड आएगा इससे अटैच हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अटैच करना था, अटैच कर देंगे और यह बन जाएगा प्रोडक्ट बी, ठीक है दोस्तों। यह जो रिएक्शन है दोस्तों, यह सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है, इसको हम पूरा जो है नहीं लिख सकते थे, इसलिए जो है हमने शॉर्ट में इसको बना दिया है। इसमें ट्रिक यही देखना है दोस्तों, यह बोरॉन से क्या होगा, बोरॉन और इन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और यहाँ पर हाइलोजन और जो है कार्बन, जो कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, और इन दोनों को ब्रेक करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है, जिसे हम सीसी कपलिंग कहते हैं, सीसी कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सीसी कपलिंग के लिए हम क्या करते हैं, सुजुकी रिएक्शन होता है, और जिसके थ्रू यह जो है आपका प्रोडक्ट बी हुआ, ठीक है दोस्तों। जो 4 मार्क्स का आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सुजुकी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बुक करिए, और हम दूसरा वीडियो उसके लिए बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों इसका देखते हैं आंसर क्या होगा दोस्तों। जैसा कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म को थोड़ा बता दिया कि जो है उसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यह मैंने बताया कि यह जो होगा यह सिन एडिशन देगा, और यह हाइड्रोजन जो होगा वह मोर हिंडर्ड साइड में जाएगा, और यह रिंग जो होगा वह लेस हिंडर्ड साइड यानी इस एंड पे आएगा, ठीक है दोस्तों। अब बोरी बी यू क्या होगा, ऊपर जाएगा, बी यू ऊपर जाएगा, और ओ एच जो होगा वह नीचे, यह जो रिंग होगा वह नीचे आएगा, उसके बाद हाइड्रोलाइज होकर के ओ एच टू बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांस होंगे, जो ए ई एल्किन भी बोलते हैं, ई एल्किन का फॉर्मेशन करता है, कैटिकॉल क्या होता है, ई एल्किन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ ई एल्किन हुआ, ठीक है दोस्तों, डबल बॉन्ड क्या हुआ, ई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यह सुजुकी कपलिंग होगा। यहाँ पर, यहाँ पर आपको बताया गया कि जो है यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ का बोरान वाला बॉन्ड क्या है तोड़ना है, और यहाँ से बी ओ एच का होल ट्वाइस वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को तोड़ करके ऐड करना है, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं करनी है। तो इसमें देख रहे हैं यह एल्किन क्या है दोस्तों, जेड एल्किन है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, ई एल्किन है। अब यहाँ पर देखिए, यह दोनों जेड एल्किन बना के रखा है, और यहाँ पर ई एल्किन बना के रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यह ई एल्किन है और यह जेड एल्किन है, इसलिए थर्ड एंड फोर्थ जो है कोई थर्ड एंड फोर्थ जो है इसका आंसर गलत हो गया, इसलिए हमें इसमें दोनों में देखना होगा। दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है ए का, लेकिन बी में देखना है दोस्तों, यहाँ पर कपलिंग किया हुआ है लेकिन यहाँ पर ट्रांस कर दिया गया, यह जो बॉन्ड दिया है दोस्तों यह ट्रांस कर दिया गया है, और यहाँ पर क्या सिस है, मैं बताया कि यहाँ पर ब्रोमीन केवल कैंसिल करना है, यानी ब्रोमीन यहाँ से हटाना है और बी जो है यहाँ से हटाना है, और दोनों को सी सी बॉन्ड बना देना है, तो यहाँ से बन गया, इसलिए आंसर इसका सेकेंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थैंक यू।